दोस्तों, आज की वीडियो में हम जिस अभिनेता की बात करेंगे वो फिल्म जगत के एक बेहद मशहूर कलाकार हैं। यूं तो उनके कई नाम हैं, लेकिन अधिकतर लोग उन्हें बॉलीवुड के किंग खान के नाम से जानते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रोमांस के बादशाह और करोड़ों दिलों की धड़कन बने अभिनेता शाहरुख खान की। आज शाहरुख खान के फैंस को करोड़ों में गिना जाता है। उनकी बेहतरीन एक्टिंग और रोमांटिक अंदाज से हर कोई वाकिफ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने ये बुलंदी, ये मुकाम कैसे हासिल किया? कैसे वो शाहरुख से बॉलीवुड के किंग खान बने? उनका प्रारंभिक जीवन कैसा था और आज वो जिंदगी कैसे जीते हैं? ऑन स्क्रीन तो सभी ने शाहरुख खान को देखा है, लेकिन क्या आपको पता है ऑफ स्क्रीन उनका नेचर, उनकी लाइफ कैसी है? अरे रुकिए रुकिए, टेंशन मत लीजिए। अब जब इतने सवाल हमने पूछे हैं तो इनका जवाब भी हम ही देंगे। तो बस फिर आप निश्चिंत हो जाइए और हमारी वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको शाहरुख खान के प्रारंभिक जीवन, करियर और उनके निजी जीवन से संबंधित सारी जानकारी देने वाले हैं। साथ ही हम आपको SRK की लाइफ से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात अपनी इस वीडियो में बताएंगे, तो जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरुआत करते हैं किंग खान के प्रारंभिक जीवन से। तो शाहरुख का जन्म 2 नवंबर सन 1965 को नई दिल्ली में एक मुस्लिम परिवार में हुआ। उनके पिता पठानी और माँ हैदराबादी है। उन्होंने अपना बचपन दिल्ली के राजेंद्र नगर में बिताया, जहाँ पर अपने परिवार के साथ एक किराए के मकान में रहते थे। शाहरुख ने अपनी शुरुआती पढ़ाई सेंट कोलंबस स्कूल दिल्ली से की, जिसके बाद उन्होंने स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के लिए हंसराज कॉलेज ज्वाइन किया। लेकिन उनका ज्यादातर समय दिल्ली थिएटर एक्शन ग्रुप में बीतता था, जहां से उन्होंने थिएटर निर्देशक बैरी जॉन से अभिनय सीखा। तत्पश्चात उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जनसंचार में स्नातकोत्तर की पढ़ाई शुरू की, लेकिन अपने अभिनय करियर को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि उनका मन पढ़ाई से ज्यादा नाटक और थिएटर में लगता था। इसके बाद उन्होंने कुछ साल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भी बिताए, जहां पर वो थिएटर किया करते थे। शाहरुख ने अपने करियर की शुरुआत टेलीविजन सीरियल से की। उनका पहला टेलीविजन सीरियल दिल दरिया था, लेकिन इसकी शूटिंग में देरी होने की वजह से उनका टेलीविजन डेब्यू फौजी नामक एक सीरियल से हुआ, और इस सीरियल से उन्हें काफी प्रसिद्धि भी मिली। इसके बाद शाहरुख ने कई तरह के टेलीविजन सीरियल में काम किया। बात करें उनके फिल्मी करियर की, तो बॉलीवुड में उनका डेब्यू सन 1992 में आई फिल्म दीवाना से हुआ, और इस फिल्म से उन्हें दर्शकों का बेहद प्यार और सराहना मिली। साथ ही इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर प्रथम अभिनय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और इसके बाद उन्हें बॉलीवुड फिल्मों में कई ऑफर मिलने लगे, जिसके बाद उन्होंने अपनी अधिकतम फिल्मों में नकारात्मक किरदार ही निभाए, जिसमें डर, बाजीगर और अंजाम जैसी सफल फिल्में शामिल रहीं। सन 1995 में उन्होंने आदित्य चोपड़ा की पहली फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में मुख्य भूमिका निभाई, जिसमें उनके अपोजिट अभिनेत्री काजोल नजर आई। इस फिल्म में शाहरुख खान के रोमांटिक अंदाज और डायलॉग डिलीवरी के सब फैन हो गए। आज भी ये फिल्म बॉलीवुड के इतिहास की सबसे सफल और बड़ी फिल्मों में से एक मानी जाती है, और इस सदाबहार फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी मिला। 1996 में शाहरुख को खास सफलता हासिल नहीं हुई, लेकिन इस बात से वो निराश नहीं हुए और उन्होंने अपनी मेहनत जारी रखी। परिणाम स्वरूप सन 1997 में उन्होंने यश चोपड़ा की फिल्म दिल तो पागल है, सुभाष घई की परदेश और अजीज मिर्जा की यस बॉस जैसी फिल्मों के साथ पुनः सफलता हासिल की। तत्पश्चात सन 1998 में शाहरुख ने करण जौहर की फिल्म कुछ कुछ होता है में काम किया, जो कि उस वर्ष की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी। साथ ही इस फिल्म के लिए शाहरुख खान को एक बार फिर फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार हासिल हुआ। सन 2000 में आदित्य चोपड़ा की फिल्म मोहब्बतें में उनके अभिनय को बेहद सराहा गया, और इस फिल्म के लिए शाहरुख को अपना दूसरा फिल्म फेयर समीक्षक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार मिला, और इन रोमांटिक फिल्मों के बाद ही शाहरुख को रोमांस का बादशाह कहा जाने लगा। साथ ही इसी वर्ष उनकी फिल्म जोश भी हिट हुई, और उसी साल उन्होंने अभिनेत्री जूही चावला और अजीज मिर्जा के साथ मिलकर अपनी खुद की फिल्म निर्माण कंपनी ड्रीम्स अनलिमिटेड की स्थापना भी की। सन 2000 में शाहरुख ने करण जौहर के साथ एक और फिल्म कभी खुशी कभी गम में काम किया। ये एक पारिवारिक कहानी थी, और जिसमें अन्य सितारे जैसे ऋतिक रोशन, करीना कपूर, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन के साथ लीड रोल में काजोल भी मौजूद थी। ये फिल्म उस वर्ष की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म को दर्शकों का बेहद प्यार मिला, और आज भी ये फिल्म टेलीविजन पर देखी जाती है। तत्पश्चात शाहरुख खान ने सन 2002 में संजय लीला भंसाली की दुखांत प्रेम कथा
देवदास में मुख्य भूमिका अदा की। फिल्म में उनके साथ ऐश्वर्या राय बच्चन और माधुरी दीक्षित जैसी बेहतरीन अभिनेत्रियों ने काम किया। फिल्म में शाहरुख खान ने देवदास की भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें दर्शकों का बेहद प्यार मिला और एक बार फिर उन्हें फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार दिया गया। सन 2003 में खान की दो फिल्में रिलीज हुई, जिसमें फिल्म चलते चलते और कल हो ना हो शामिल रही और दोनों फिल्म ही बेहद सफल रहीं। इसके अलावा भी किंग खान ने बॉलीवुड को कई हिट मूवीज दी, जिनमें बादशाह, वीर जारा, ओम शांति ओम, डॉन, स्वदेश, मैं हूं ना, कभी अलविदा ना कहना, चक दे इंडिया, दूल्हा मिल गया, रावण, जब तक है जान, चेन्नई एक्सप्रेस, हैप्पी न्यू ईयर, दिल वाले, फैन, डियर जिंदगी, रईस, जब हैरी मेट सेजल और पठान जैसी फिल्में शामिल हैं। हाल ही में रिलीज हुई शाहरुख खान की फिल्म पठान के बेशर्म रंग काने को लेकर कुछ लोगों ने काफी विरोध किया, यहां तक कि फिल्म को बैन करने की भी मांग की, जिस पर शाहरुख खान ने कोलकाता फिल्म महोत्सव में कहा कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर नेगेटिविटी फैला रहे हैं, सिनेमा समाज को बदलने का एक साधन है। बता दें कि फिल्म जगत के बादशाह होने के बावजूद भी शाहरुख का अपने फिल्मी करियर के चलते कभी किसी के साथ कोई अफेयर नहीं रहा। बात करें उनके पारिवारिक जीवन की तो उनके पिता का नाम मीर ताज मोहम्मद था, जो कि पेशावर के रहने वाले थे, लेकिन बंटवारे के बाद वो दिल्ली आ गए। वो एक चीफ इंजीनियर थे और साथ ही ट्रांसपोर्ट रेस्टोरेंट जैसे बिजनेस भी किया करते थे। इसके अलावा वो भारत के सबसे युवा संस्था सेनानियों में से एक थे। शाहरुख की मां का नाम लतीफ फातिमा था, जो दिल्ली कोर्ट में मजिस्ट्रेट थी। बता दें कि शाहरुख के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। जब शाहरुख 15 साल के थे तो कैंसर से उनके पिता का देहांत हो गया, और जब शाहरुख 25 साल के थे तो उनकी मां भी डायबिटीज की वजह से चल बसी, लेकिन वो आज भी अपने माता पिता की कही हुई बातों पर अमल करते हैं। इसके अलावा शाहरुख खान की एक बड़ी बहन है, जिनका नाम शहनाज लालारुख खान है, जो कि शाहरुख से उम्र में 5 साल बड़ी हैं। शहनाज बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया से दूर रहना पसंद करती हैं। इसके अलावा शाहरुख खान के चाचा गुलाम मोहम्मद अभी भी पाकिस्तान के पेशावर में रहते हैं। उनके दो बेटे हैं, मंसूर खान और मकसूद खान। इसके अलावा शाहरुख की एक चचेरी बहन नूर जहां भी पेशावर में रहती थी, लेकिन 2020 में उनकी डेथ हो गई। बता दें कि शाहरुख के पिता अपने 6 भाई बहनों में से सबसे छोटे थे। उनके भाइयों के नाम मियां मोहम्मद, गुलाम मोहम्मद, अल्लाह बख्श और खान मोहम्मद ताज है। उनकी एक बहन भी थी जिसका नाम खैर जान था। हालांकि खैर जान, अल्लाह बख्श और मियां मोहम्मद ने कभी शादी नहीं की। बात करें शाहरुख की निजी जिंदगी की तो उन्होंने अपने कॉलेज की गर्लफ्रेंड गौरी खान से शादी की। शाहरुख और गौरी की मुलाकात तब हुई जब शाहरुख ने बॉलीवुड में कदम भी नहीं रखा था। उनकी शादी सन 1991 में हुई। आज उनके 3 बच्चे हैं, जो कि सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। उनके सबसे बड़े बेटे का नाम आर्यन खान है, जिनका जन्म 1997 में हुआ था। आर्यन ने अपनी पढ़ाई विदेश में की है। इसके अलावा वो अमेरिका से फिल्म मेकिंग का कोर्स भी कर चुके हैं। इसके बाद उनकी बेटी का नाम सुहाना खान है, और सुहाना खान को भी एक्टिंग में बेहद दिलचस्पी है। वो अपने पिता की तरह एक बेहतरीन एक्ट्रेस बनना चाहती हैं। इसके बाद बात करें शाहरुख के सबसे छोटे बेटे अबराम खान की, तो वो अभी स्कूल में है। शाहरुख के ससुर का नाम रमेश चंद्र छिब्बर है, जो कि आर्मी ऑफिसर थे, और उनकी सास का नाम सविता छिब्बर है। इन दिनों शाहरुख अपने परिवार और बहन के साथ मुंबई में ही रहते हैं और हिंदी सिनेमा में सक्रिय हैं। इन 30 सालों में शाहरुख खान ने बॉलीवुड को कई हिट फिल्में दी और उनके प्रशंसक आज भी उनकी फिल्मों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। हम आशा करते हैं कि वो एक बार फिर सुपर डुपर हिट फिल्म के साथ बड़े पर्दे पर जल्द ही उतरेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और अपनी पसंदीदा एक्ट्रेस और एक्टर के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।